नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को असल खतरा सेना से। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को असल खतरा आतंकवादी संगठनों से नहीं बल्कि उसकी सेना के भीतर मौजूद अस्थिर तत्वों से है। मेनन ने कहा कि आतंकवादी के पास तबाही मचाने के लिए अपेक्षाकृत सस्ते एवं आसान माध्यम है। परमाणु हथियार जटिल उपकरण है जिनका प्रबंधन करना, इस्तेमाल करना एवं उन्हें पहुँचाना मुश्किल होता है और इसके लिए उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि विश्व में एकमात्र पाकिस्तान का ऐसा परमाणु हथियार कार्यक्रम है जिस पर केवल सेना का नियंत्रण है। सोनाक्षी सिन्हा सर्वाधिक सनसनीखेज सेलिब्रिटी। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2016 की सर्वाधिक सनसनीखेज सेलिब्रिटी की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है क्योंकि साइबर ठग लोगों को गलत वेबसाइट्स पर ले जाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। मैगजीन मोस्ट सेंसेशनल सेलिब्रिटी 2016 के अनुसार सोनाक्षी सिन्हा प्लस टॉरेंट सर्च करने पर 21% गुंजाइश गलत वेबसाइटों से जुड़ने की रहती है। अभिनेत्री के लिए सर्च में कुल खतरा 11.11% का था। इंटेल सिक्योरिटी द्वारा प्रकाशित वैश्विक अध्ययन में इस बात को तलाशा गया है कि कैसे हैकर पॉप संस्कृति के आइकन तथा बॉलीवुड शख्सियतों का इस्तेमाल जोखिम भरे सर्च परिणामों के लिए करते हैं। इससे प्रशंसकों को वायरस और मालवेयर के खतरे का सामना करना पड़ता है। कच्छ में दो संदिग्ध पाक जासूस गिरफ्तार। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के लिए कथित तौर पर जासूसी का काम करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को सीमा से सटे कच्छ जिले से गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ATS को कच्छ के खावड़ा गांव के दो निवासियों पर पाकिस्तान के ISI के जासूस के तौर पर काम करने का संदेह था और उन पर पिछले एक साल से करीबी निगाह रखी जा रही थी। दोनों को आज ATS ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने साथ ही कहा कि हमें सूचना मिली है कि उनके घरों की तलाशी के दौरान ATS ने उनके पास से एक पाकिस्तानी सिम कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।